कोई नहीं है मेरे को, वो बच्ची है मेरे दिल से पड़ी, दिल से पड़ी, दिल से पड़ी, मेरे कोई नहीं है मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे बच्चे नहीं नहीं लल्ला रसुल्ला चल रहे एक्सेलेंस सर नमाज पढ़ाएंगे, नमाज पढ़ा देंगे, दफना देते हो लोग, दफना तो करें ठीक है, दफनाना मगर जलाना नहीं, नमाज जाना दिखे वैसा मत करो, जाना दिखे कम्युनिटी को जाना है, जाना दिखे घर अंदर तुम्हें चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चले जाओ, चलो आप संतो मेरी बात, चलो ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, अम्मा कितना काम कर रहे थे मेरे अम्मा, अम्मा ये काम नहीं होना था, आप पिज़्ज़ा दे दिए, अम्मा इजाजत दे दो, तैयार कर लो, इजाजत दे दो, आप पिज़्ज़ा दे दिए ना, चलो बाजी बाजी मस्जिद में लेके जा रहे, आप बोलो खुशी से बोलो ठीक है ना, माना अभी लेके जा रहे वो मैं उन मेरे भाई के बेटे है, पर कोई भी नहीं पहचानते, हम मोहता में आते थे जाते थे। आप कहाँ कितने साल से रह रहे हैं आप? हम यहाँ 25-35 साल से बस्ती में हूँ साहब, मैं पूरे लोग पहचानते, हाँ मेरी 35 साल से मेरी जिंदगी हो रही है बच्ची, तो आने के बाद 15 साल के बाद इस्लाम कबूल करी मैं, तो आप इस्लाम मैं भी इस्लाम कबूल करी, मेरे बच्चे मैं पूरे फैमिली, साल पहले इस्लाम को बोला 20 साल और 20-22 साल और 20 साल हो गया इस्लाम, हाँ होगा, शादियाँ करी मेरे बच्ची के सुसरे मौजों में, एक लंगर रोज में रहे थे, एक यहाँ छोनी में रहे थे, बेटियों की शादी में अपने मजहब में करी, बेटों की शादी में अपने मजहब में करी, चिल्ला चट्टी सब करी, तो मेरी अम्मा बोली मेरे को तकलीफ देते बेटे, मेरे को नक्को बोल के बोल दिया, सूरत नहीं बताना बोल दिया, तेरे हाथों से तू करे तो मेरे को चैन जमन मिलेगा, मेरे सुकून से करना, अब लोग क्या बोल रहे हैं? उन्हें ले जाके जला देते बोल, जलाते बोल रहे हैं, हाँ पुलिस से जाम होता है, तो आप मैं पुलिस किस लिए है यहाँ पर? कौन ले जाते हैं? उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ ले जान दो, उनके बेटे ना ले जान दो, मैं नहीं ले जाने देती, उन्होंने ले गए, मैं फांसी डाले के मेरे अम्मा के संगत दोनों के डोले निकलना यहाँ से, पर मैं तो नहीं देती, मेरी मैं तो कलमा पढ़ ली, मेरे बच्चे भी पढ़ लिए, मेरे नवासी आफे से कुरान है, मेरी अम्मा को कौन तुम लेने लेके जाएंगे, दोनों के लाशा ले जाना यहाँ से, बस दोनों के डोले उठना, मैं नहीं हाथ में खान ले, आपके मेरे को उन लोगों के हाथ को नहीं देना, बस दे तुम मेरे तेरे तरीके से करना, मेरे चैन चमन मिलता, नानी हमारे हमारे उनके दिल से करे सोए, बस 12 साल से थे, अल्लू 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 बोलना, अल्लू बोलना 12 साल से थे साहब, कोई आगे नहीं।
नानी हमारे हमारे उनके दिल से करे सोए बस 12 साल से थे अल्लू इंसानियत किसमें से हाँ है माई तो बेटा माई देखो बेटा माई हमारे ये सब तैयारी होने के बाद मैं गाक नहीं देती बस माई अगर ले जा रहे माई भी इनके संगत चल जाना वीडियो बताओ अपने मुंह से मोहम्मद रसूलल्लाह कलमा पढ़े देखो बेटे ये भी एविडेंस है भैया वो जो आप अपना जिम्मेदारी लेके दफनाते बोले उसके बारे में अपील कर रहे ओके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू हलका याकूतपुर के सुरमावड़ा डिवीजन में दारबजन कॉलोनी में एक रिवर्टेड मुस्लिम थे आज उनका इंतकाल हुआ तो उनकी तरफ से भी उनके अफराद खानदानी अफराद इधर आए थे तो यहाँ पे शिवाना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों को जो है ना बुला के डी सी पी साहब भी आए थे एसीपी साहब भी आए थे यहाँ पे हमारे वर्कर भी मस्जिद सितारुल मुस्लिम के वर्कर भी जो है ना यहाँ पे पूरा कॉपरेट करें और यहाँ पे एक एग्रीमेंट लिखाया गया जिसके तहत जो भी आखिरी उनके रस्मा रहेंगे वो जो है ना मुसलमानों के तरीके से किया जाएगा और मलकपेट चादर मंगोली अड्डे में वहाँ के खबरस्तान में जो ना तकसीम की जाएगी अभी लेके अभी लेके जाते वक्त जो है तो डोले को निकाल दिया गया वो उस वजह उसकी क्या वजह रहेगी उसकी नहीं वो तो दोनों अपने तौर तरीके से इस्तेमाल यूज़ करेंगे उसको नहीं जो भी है बात हुई यहाँ पे लिखा पड़ी हुई डीसीपी साहब के सामने जो है ना एक लेटर लिखाया गया हम सब मौजूद थे कि जितने भी आखिरी रसूमा थे वो पूरे मुसलमानों के तरीके से किया जाएगा दफनाए जाएंगे बॉडी को ये हैंडराइटिंग में कुछ लिखे दिए आप जी हैंडराइटिंग में लिखे दिए सरकार साहब के पास पेपर है थोड़ी देर के बाद हम लोग जो है उसकी कॉपी लेके सदर मोहतरम बैरिस्टर असुद्दीन अली साहब को भी इसकी इतला दी गई थी उनको ये पेपर जो है ना पहुँचाएंगे और हल्के या खुद मलकपेट के एमएलए बलाला साहब को भी इस बात की इतला है वो काफ़ी समय से जो है ना बातचीत कर रहे थे तो उनको भी जो है ना वो लेटर की कॉपी जो है ना पहुँचाई जाएंगी कल ये वो लोग वादा करके गए हैं लेटर पर लिखे गए हैं कि जो भी आखिरी जो रसूमात है उसको दफना के जो है ना उसको ख़त्म किया जाएगा।